नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडिया न्यूज चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लग रहा है अब तो शेयर मार्केट बिल्कुल गिरने वाला है, क्योंकि शेयर मार्केट की जो हालत हो गई है बहुत ही बुरी है अभी। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये मैंने सेंसेक्स का चार्ट लगा रखा है, ठीक है, कैंडल चार्ट लगा रखा है सेंसेक्स का। और जैसे कि अभी हालत हो रही है यहाँ पर, अगर मैं इसको चेंज करके 15 सेकंड का तो नहीं लगाऊंगा, मैं 15 मिनट का लगाऊंगा, 15 मिनट का कैंडल चार्ट लगाता हूँ। और क्या हालत है यहाँ पर, पूरी तरह से मार्केट फॉल हो रहा है यहाँ पर, काफ़ी टाइम से फॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये फॉलिंग मार्केट में जो चल रही है उससे सब लोगों को लग रहा है अब तो मार्केट गया, मतलब शेयर मार्केट की दुनिया का खेल ख़त्म। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे लोगों को, अब जैसा कि लोगों को लग रहा होगा कि ये तो शेयर मार्केट गया, क्योंकि ऑलमोस्ट जितना फॉल हुआ है वो देखकर लोगों के हक्के बक्के तो हो ही गए। लेकिन यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वन डे का चार्ट लगाता हूँ आपके सामने, जिससे कि आपको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। वन डे का चार्ट ये है हमारा, वन डे का चार्ट, ठीक है। तो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रॉपरली एक डाउन ट्रेंड से आया है मार्केट के अंदर, ये मैंने सेंसेक्स लगाया है। तो कुछ लोग निफ्टी देखते हैं, कुछ लोग सेंसेक्स देखते हैं, मैं सेंसेक्स देखता हूँ क्योंकि सेंसेक्स में भी काफ़ी अच्छा आइडिया अपन को सेम ही रहता है, दोनों का जो चार्ट रहता है ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है, ये आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर से आप देख रहे होंगे कि इसने पीक बनाया था 62,000 का, उसके बाद से ये डाउन जाता जा रहा है और 55,000 पे अभी लगभग है, ठीक है। तो लगभग इसका फॉल 7-8 हज़ार का फॉल हो गया है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये एक बड़ा फॉल है, कोई छोटा मोटा फॉल तो है नहीं है, ये ऑलमोस्ट 10% का फॉल है अपने हाई से, यानी कि 60 था उससे 6-7 हज़ार गिर गया, यानी कि आप साफ समझ सकते हैं कि 10% फॉल हो चुका है। 10% फॉल होना मार्केट में एक मतलब बड़ा करेक्शन ही है, ठीक है। छोटा मोटा करेक्शन तो 2-3%, 4%, 5% का होता है, ये बड़ा करेक्शन है, नीचे आया है काफ़ी मार्केट, बहुत डाउन हुआ है, 10% का फॉल हो चुका है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आपके भी अगर पोर्टफोलियोज होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि आपके पोर्टफोलियो भी लगभग 6-7% या 10% के कुछ के 9-10% अगर पीक पर लोगों ने इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ज़्यादातर लोग पीक पे ही इन्वेस्टमेंट करते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इस तरह से हो रहा होगा, और कुछ लोगों का मतलब लगभग सेम चल रहा होगा, थोड़ा सा डाउन चल रहा होगा, लेकिन अल्टीमेटली फॉल चल ही रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये फॉल जो है वो ज़्यादा देर का नहीं है। क्यों नहीं है, यह आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर लगा रखा है 200 डेज का मूविंग एवरेज, जिससे आपको साफ समझ में आ रहा होगा ये इसको टच करने वाला है। और इसको जब भी टच करता है ना 200 डे के मूविंग एवरेज को, उसके बाद मार्केट जाता है सुपर रॉकेट की तरह, सुपर रॉकेट की तरह, या फिर थोड़ा और नीचे जाएगा और फिर ऊपर जाएगा। तो अल्टीमेटली 200 DMA के आसपास जब चल रहा हो ना, तो उसके बाद आप समझ लीजिए मार्केट में अप ट्रेंड आने वाला है, आने वाला है, ठीक है ना। एकदम ऐसा नहीं है कि इधर से जस्ट टच करके ऊपर जाएगा, इसके थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है, ज़्यादा नीचे भी जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ये गारंटी है कि इसके ऊपर ही जाता है फिर मार्केट, क्योंकि 200 MA का ये एक फंडा है। देख लीजिए, अगर आपको बैक टेस्टिंग करके देखना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए इसने क्या किया था, जब फॉल आया था, जब हमारा कोविड का इशू हो गया था, उसके बाद तो इसने दम से फॉल दिखाया, नीचे गया एकदम से मार्केट, और फिर इसने ऊपर की छलांग लगाई। लेकिन हालांकि यहाँ पर जितने भी दिन थे वो कोविड की वजह से थे, तो इसलिए ज़्यादा फॉल हुआ, और फिर उसके बाद लेकिन अप ट्रेंड में गया ही। तो ये तो पहला हुआ। यहाँ पर पिछले थोड़ा सा और पीछे जाके देख लीजिए, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ पर 200 MA को टच किया, उसके बाद ऊपर गया, यानी कि यहाँ पर देखिए लगभग 36,000 से सीधे 42,000, 36,000 से 42,000, लगभग 20% का अपसाइड हो रहा है, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ से देखिए, यहाँ पर भी 200 MA को टच किया, ऊपर गया, यहाँ पर भी 200 MA को टच किया। आप यहाँ पर सारे सेक्शंस देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा 200 को जैसे ही टच करता है वैसे ही मार्केट भागता है। यहाँ पर था 32,000 पे, कहाँ गया 38,000 पे, फिर इधर जाइए, यहाँ पर भी थोड़ा सा नीचे, मैंने कहा ना नीचे भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम टच करके ऊपर भागता है, इधर आया उसके बाद ऊपर भागा, सीधे यहाँ से देखिए 25,000 से सीधे गया 36,000। तो इस तरह से इसका वर्किंग होता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक फॉल आया,
वाला अच्छा चला, नीचे 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 ऐसा भी चल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम टच करके ऊपर भागेगा, ऐसा भी हो सकता है कि अब भी है ना इसका फॉल कितना हो सकता है, ये मैं आपको एक बार आइडिया दे देता हूँ। बाकी आप देख लीजिए यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से नीचे आया था 200 mA के, फिर इसके ऊपर, फिर धीरे 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 ऊपर जाके ऊपर गया है। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, देखिए यहाँ पर एक फॉल आया, ये यहाँ से फॉल आके, ठीक है यहाँ से फॉल आया, फिर इधर देखिए फॉल ज़्यादा लंबा भी हो सकता है, फिर ऊपर, लेकिन अल्टीमेटली जाएगा, मार्केट का काम ही है ऊपर जाना, तो ऐसा तो है नहीं है कि मार्केट नीचे गिरेगा, मार्केट नीचे आएगा तो ऊपर तो जाएगा ही। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इसका फॉल कहाँ तक हो सकता है ये कोई भी नहीं बता सकता, ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, ना ही कोई आपको भविष्यवक्ता भी नहीं बता सकता, कितना भी बड़ा मतलब मैं कह दूँ यार, कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, नो बडी कैन टेल यू। बट यहाँ पर यह है कि जो पिछला डेटा होता है ना, अपन जो पिछले आइडिया से आइडिया लगा सकते हैं ना, वही चीज़ अपन यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि ये फॉल करे 54,000 पे, या फिर और नीचे भी जा सकता है। यहाँ के सपोर्ट देख लीजिए, ये सपोर्ट वाले मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, जो लोग एक्चुअल में लोग बोलते हैं भाई ये सपोर्ट है वो सपोर्ट है, तो उसी को मैं बता रहा हूँ। तो 51,000 पे सपोर्ट कर सकता है या तो, या फिर यहाँ पर आके 47,000 पे, या फिर देखिए बहुत सारे सपोर्ट हैं इसके एक्चुअल में, यहाँ पर भी 46,000 पे भी सपोर्ट कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ें, सपोर्टिंग वपोर्टिंग की बात लोग कहेंगे, 39,000 पे भी हो सकता है। हो सकता है कि अब देखिए ओमिक्रॉन वायरस का बोल रहे हैं लोग, लेकिन मेरे को नहीं समझ में आ रहा है ओमिक्रॉन वायरस का क्या होने वाला है हालत। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 25,000 पे, तो ऐसा तो है नहीं कि 25,000 पे आ जाए, आ भी सकता है, देर इज़ नो मतलब कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं आएगा, आ भी सकता है, यहाँ से भी टच हो सकता है 51,000 से, 47,000, 46,000, 40,000, 39,000, इस तरह से कहीं से भी मार्केट टर्न अराउंड ले सकता है। लेकिन अभी तो मार्केट गिरने की स्थिति में दिख रहा है, तो लगभग ये टच तो करेगा इसको, मेरे को लगता है, जहाँ तक कि 51,000 को टच करके फिर ऊपर की जोन में जाएगा। तो अब तक के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से शेयर मार्केट चल रहा है, और इसमें देखिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, लेकिन अभी यही है कि अल्टीमेटली गिरता हुआ मार्केट है, तो गिरने देते हैं इसको, और गिरना और गिरते हुए मार्केट में थोड़ा थोड़ा बाइंग करिए, उसके साथ प्रॉफिट होगा निश्चित तौर से, बस यही इसका फंडा है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। ये 70,000 जाएगा, अभी 60,000, 64,000, 70,000 इसका जाना निश्चित है, ठीक है, तो इस तरह से ही काम करना पड़ेगा। उसी के साथ हम वीडियो का अंत करते हैं, धन्यवाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।